हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो थर्ड यूनिट है और फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। थर्ड यूनिट में जिसका नाम है ह्यूमन रिलेशंस, ओके। इस चैप्टर में इसमें जो हमारा आता है वो आता है द जर्नी, अनदर वुमन एंड द नेवर नेक्स्ट। इसमें ए बी सी तीन पॉइंट्स है, ठीक है। तो आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो आता है वो है थ्री का है, थर्ड यूनिट का ह्यूमन रिलेशंस, ओके। ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे यहाँ भी दिए हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमारे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रहा इंग्लिश, ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग, उसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन सर, और क्वेश्चन सर है ये, और वोकैबुलरी है, उसके बाद ग्रामर पार्ट से, एंड नेक्स्ट मोर इज दैट नेक्स्ट राइडिंग स्किल्स। सो आई थिंक या ओके, राइडिंग स्किल्स हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे, ठीक है। राइडिंग स्किल्स तक देखेंगे, स्टडी स्किल्स ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 15 राइडिंग स्किल्स तक हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने इनसे फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा थर्ड यूनिट आ गया जिसका नाम फर्स्ट चैप्टर है द जर्नी, ओके। तो इसमें जो जर्नी द चैप्टर का नाम है द जर्नी, ओके। और रीडिंग है हमारा, और इसमें ये फेस शीट है, और फेस शीट में हमें ये फिगर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्टोरी है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को हमको आंसर देना है, व्हाट इज़ द एक्सेप्टेड अबाउट, ओके। ये क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ भी हैं हमारे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है ओरल डिसीजन, ओरल डिस्कोर्स है, ठीक है। ये आ गया हमारा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा समरी। समरी में तो नॉर्मली इट्स इजी फॉर रीडिंग टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये समरी है, ओके। And this is glossary, and here you can see that, and some word is here also. If you are interested to write, so you can write. If you don't interested, so you leave that, okay. Next it is. Next. And it is end. Here is a little bit here also, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सर, ओके। नेक्स्ट, और ये थर्ड है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन सर, आवर सिक्स एंड सेवेंथ क्वेश्चन सर, सॉरी फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन सर, ओके। नेक्स्ट, एंड दिस इज आवर सेवेंथ और एट्थ, एंड यू जस्ट लुक सेवन ओनली फर्स्ट, इट्स अ सेवन आवर एंड इट्स अ एट्थ, चलता है। एंड देन आफ्टर इट इज ऑल्सो हियर, ओके। इट्स हियर ऑल्सो, ओके।
ओके नेक्स्ट एंड इट्स अ करेक्ट सेंटेंस दिस इज द आंसर ऑफ दैट यू इट्स अ बेटर अगर आपको अगर कुछ भी अगर डाउट हो आपको तो आप टेक्स्टबुक से मैच कर लेना ठीक है अगर आपको कहीं लगे कि नहीं ये थोड़ा मतलब कि गलत है या कुछ भी आपको ऐसे डाउट नॉर्मली प्रेजेंट हो तो आप टेक्स्टबुक से अपने मैच कर लेना ठीक है अभी नेक्स्ट होता है और ये रहा वोकैबुलरी ठीक है तो इसमें तो ये ही है ओके उसके नेक्स्ट होता है फिर ये आता है हमारा और यहाँ पे ये है ठीक है ओके नेक्स्ट एंड दिस इज द ग्रामर पार्ट्स एंड इट्स अ ग्रामर यू जस्ट लुक दैट ये हमारे ग्रामर पार्ट्स है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ओके एंड हियर इट इज आल्सो एक्चुअली ऑल द ग्रामर पार्ट्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट समथिंग विल बी इंपॉर्टेंट If depend, it's depend on you. If you want to write, if you write, you write. If you don't want to write, so you can leave that. Okay, next. And it's a seventh. It's a seventh letter. Okay. And it's a ninth. It is 10th, 11th, it's 12, 13, okay, next one, और उसके बाद आता है ये, आगे ये, okay, उसके बाद आता है writing, तो एडवर्स इफेक्टेड ऑफ एजुकेशन सी हमारा आंसर है और यहाँ पे कुछ दिया गया है हमें ठीक है दिया गया है मतलब कि ये राइडिंग राइडिंग है ठीक है और ये रहा ओके सो जो हमारा चैप्टर था ये ओके सो जो हमारा ये चैप्टर था रीडिंग एट द जर्नी जिसका थर्ड यूनिट का था ह्यूमन रिलेटेड ह्यूमन रिलेशंस जिसमें का जो द जर्नी था इस चैप्टर में हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो के सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीडिंग बी के बारे में जो भी उसमें है क्वेश्चन जैसे कि वॉट्स एवरीथिंग वट एवर इन दैट चैप्टर वी आर डिस्कसिंग ओके आज के वीडियो में बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों